ऑफिस खोल करके आज आपने भी देखा कि अभी लोग काफी विरोध कर रहे हैं मेरे आने का। मुझे दुर्भाग्य लगता है और बहुत शर्म भी आती है कि हम एक महिला है, हमें हर व्यक्ति को जब तक कि पूरी तरीके से हमारे सामने सबूत या साक्ष्य नहीं आते तब तक हर महिला को हर परिवार को शांत रहना चाहिए था। हमें इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बनना चाहिए था, हमें कोऑपरेट करना चाहिए था, बल्कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि वो किसी को बचाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई है, अभी मैं कई वीडियो क्लिपिंग्स दे रही हूं, जो बच्चे बहुत इनोसेंट हैं उनको क्या पता कि उनके सेक्सुअली पार्ट्स कहां कहां हैं, जो बच्चे हैंडीकैप्स हैं शी डजंट नो कि उनके पार्ट्स के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया, वो इशारों में सारी चीजें लिख करके बता रहे हैं। ये सारी वीडियोस मैं देख करके, मैं बिना जानकारी लिए कहीं भी नहीं जाती और ये मेरे इन्वेस्टिगेशंस का कभी भी पार्ट नहीं होता। मैं बिना जाने बुझे किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि यहाँ बहुत पुराना कहीं दिख रहा है, आप जाके जीने से जाइए। ये सीढ़ियाँ ऊपर कमरे की तरफ मिल रही है, ये मिलना चाहिए था क्या? ये प्रेस है, प्रेस में कितने तरह के लोग काम करते हैं और प्रेस के लोग, प्रेस का डायरेक्ट सीढ़ी, अंदरूनी सीढ़ी एक ऊपर के कमरे में जा रहा है, वो कमरे जहां पर बच्चियां रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या? उनकी सिक्योरिटी पर इतना बड़ा आघात कैसे? और मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं दिखता है वो कम से कम मानवता का चश्मा लगा करके जरूर। आपको जो इनपुट्स मिले हैं पुलिस अधिकारियों से बातचीत जो हुई है, क्या इस मामले में कोई पॉलिटिकल लिंक भी है? मैं इन सारी चीजों में, इन चीजों को मैं कहीं नहीं जाती। मैं इतने साफ साफ आपको कह दिया, मुझे किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर किसी ने कोई कल्प्रिट है, कोई अगर अक्यूज है, तो उसको एक सेकंड के लिए भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे कुकृत्य के लिए फांसी की सजा भी कम। बाहर बच्चियां भेजी जाती थी, ये इनपुट्स हैं क्या? नहीं, ये बच्चियां जब तक बच्चियों से मैं बात ना करूं तब तक मैं ये बातें नहीं कर सकती। स्थानीय स्तर पर जांच होती थी क्या, उसकी रिपोर्ट क्या है? तब तो वो रिपोर्ट अधिकारियों की क्या भूमिका रही है जो समाज? नहीं, अधिकारी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है और वो किसी को नहीं बख्शेंगे। हमने कह भी दिया है कि अगर बायस हुए तो इसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं। आयोग क्या इस मामले में, स्पीडी ट्रायल की या कुछ इस प्रकार की? मैं स्पीडी ट्रायल के लिए ही नहीं, मैं बहुत सारे एक्शन लेने वाले हूँ और वो एक्शन शायद आपको एक सप्ताह के भीतर पता चल जाएगा मीडिया के मार्फत। आप अल्पावधि भी खाली करवाया गया। देखिए, मैं कह रही हूँ कि इसके जितने भी ऐसे गैर कानूनी जितने धंधे हैं उन सबको बंद करके इन बच्चियों को यहाँ से उनको बिल्कुल उनको सुरक्षा के लिए कहीं और भेज दिया जाए और जिस दिन उसको क्लीन चिट देना होगा क्लीन चिट देकर के वापस जिसको ला करके रखना रख दीजिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई बच्ची हल नहीं रही। मैम, जो जिस संस्था ने ऑडिट रिपोर्ट किया है, क्या मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी इनपुट्स कुछ मिले हैं? वो टिस्क ने किया है, टिस्क नेशनल कमीशन के साथ इनरोल है। टेस्ट को हमेशा हम लोग फाइनेंस करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, बहुत सारी इंक्वायरीज के लिए, इवन की स्पेशल वुमेन सेल बनाने के लिए हम लोग टेस्ट के साथ कोलैबोरेट किए हुए, हम उन्हें फाइनेंस करते हैं एंड दे कैन परस्यू देयर ड्यूटी। तो ये सारी चीजें टेस्ट के साथ होती है और टेस्ट ने ये काम किया है और मुझे लगता है कि बेहतर काम किया है। अगर उनकी फाइंडिंग है, देखिए, आग होता है तभी धुआं उठता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और अगर 8 बच्ची में से 18 की अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर 17 बता रही है और 18वां इसलिए कह रही है कि फिर वहीं जाना है, इसलिए मत बताओ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, ये कौन सा सबूत है? थैंक यू। आयोग सरकार को अनुशंसा बिल्कुल करने वाली है और सरकार को अनुशंसा सिर्फ 7 जितने इसके हैं, सारे ब्लैकलिस्टेड होने चाहिए, इन लोगों को जमीन पे आना चाहिए।